लोकसभा चुनाव के लिए सातवें चरण का मतदान रविवार को होना है। कल सुबह से होने वाले मतदान को लेकर पुलिस प्रशासन ने भी कमर कस ली है। इसी को लेकर इंदौर संसदीय क्षेत्र के शहरी क्षेत्र के मतदान बूथों पर पश्चिम एसपी सूरज वर्मा ने पुलिस दल के साथ व्यवस्थाओं का जायजा लिया। देखिए इस रिपोर्ट को। शनिवार को पुलिस अधीक्षक पश्चिमी सूरज वर्मा ने पुलिस दल के साथ पंडरीनाथ व छत्रीपुरा थाना क्षेत्र के संवेदनशील मतदाता केंद्रों का जायजा लिया। इस दौरान एसपी ने केंद्रों पर तैनात जवानों और पीठासीन अधिकारियों से भी चर्चा की। मतदान बूथों पर मतदाताओं के लिए पीने के पानी की व्यवस्था और धूप से बचाव के लिए छांव सहित कई व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया। बता दें कि शहर में शांतिपूर्ण और सुरक्षित मतदान के लिए प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है। इस दौरान पुलिस के आला अधिकारी ने बूथों पर की जाने वाली व्यवस्थाओं और व्यवस्थित मतदान, मतदाताओं की प्रवेश एवं निर्गम द्वारा सहित कई तरह की उचित व्यवस्था के संबंध के निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान नगर पुलिस अधीक्षक पंडरीनाथ, एसडी के तिवारी, सीएसपी एवं थाना प्रभारी रोबोट गिरवाल, छत्रीपुरा थाना प्रभारी संतोष सिंह यादव एवं स्टाफ उपस्थित रहे। इस मौके पर पुलिस अधीक्षक द्वारा मतदान केंद्रों के आसपास निवसरत लोगों से भी चर्चा की गई। जैसा कि आप लोगों को मालूम ही है, कल हमारे यहाँ चुनाव होना है और उसके संबंध में जो भी यहाँ पे पोलिंग बूथ्स हैं और उसमें बहुत सारे वल्नरेबल और क्रिटिकल, उनको कैटेगराइज भी किया गया है। तो अभी सभी बूथों की एक तो अंदरूनी व्यवस्था उसमें कैसी है, उसमें रहने सहने की पानी की व्यवस्था, इन सबको देखा गया। सिक्योरिटी के मद्देनज़र सभी को ब्रीफ किया गया। जो यहाँ पर फोर्स आ चुका है ऑलरेडी, और उन सब के साथ समन्वय बनाने के लिए उनके नंबर, उन सब को मालूम है कि नहीं, उस बारे में सबको चेक किया गया। और इसके अलावा उन सबको जो आवश्यक दिशा निर्देश, कल उनको ड्यूटी क्या करनी है, किस तरह से उनको जो भी बिहेवियर रखना है, उन सब के बारे में उनको ब्रीफ किया गया। सर, किन किन थाना क्षेत्रों में आज ये अभी हम लोगों ने पंडरीनाथ और सराफा से घूमते हुए छत्रीपुरा और इस तरह से अभी पूरे शहर में जो भी वेस्ट का इलाका है उसको पूरे को कवर करेंगे और उसके बाद घाट क्षेत्र का भी भ्रमण करेंगे। सर, सारी जगह व्यवस्था है? अभी तक ऐसा कोई विशेष इसमें समस्या नहीं दिखी है। सभी जगह फोर्स और जो भी मतदान के लिए जो पीठासीन अधिकारी और उनकी टीम भी है वो भी पहुँच चुकी है और सभी अपनी व्यवस्थाओं में लगे हुए हैं। तो अभी तक कोई समस्या सामने नहीं आई। ठीक है।